नमस्कार दोस्तों, यह डिक्टेशन 100 शब्द वर्ड प्रति मिनट की गति से रहेगी। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। रेडी स्टार्ट। महोदय, बच्चे किसी भी देश के भविष्य होते हैं। यह यथार्थ सत्य है और सदियों से इस ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। जन्म से लेकर बच्चों के स्वास्थ्य, रहन सहन और उनकी शिक्षा को लेकर उनके माता पिता का चिंतित होना स्वाभाविक है, लेकिन तेजी से अपनी जड़ें जमा रही भौतिकवाद ने हर छोटे बड़े समाज के सामने ऐसे कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि बच्चों को किस तरह उनका हक दिलाया जाए, जिससे वे आगे चलकर मजबूती और आत्मविश्वास के साथ समाज के सजग प्रहरी बन सकें। पिछले कुछ दशकों से बच्चों के भविष्य को लेकर उपजी चिंताओं ने वैज्ञानिकों और मनोवैज्ञानिकों को शोध और अनुसंधान के लिए बाध्य किया है। नित नई नई समस्याओं ने माता पिता को दुविधा में डाल दिया है। एक ओर जहां जीवन यापन के लिए महिलाएं भी पुरुषों की तरह कमर कसकर घर की चार दीवारी से बाहर निकल रही हैं, वहीं इसके कारण सदियों से चली आ रही सामाजिक संरचना गड़बड़ाने लगी है। आजीविका कमाने और अत्यधिक सुख वैभव की चाहत ने हर दंपत्ति को जीवन शैली बदलने पर मजबूर कर दिया है। समाज में हो रहे इस बदलाव के कारण बच्चे सबसे ज्यादा उपेक्षित होने लगे हैं। अब तक की तमाम रिपोर्टों के मुताबिक यह स्पष्ट है कि अगर बच्चों के प्रति माता पिता की उदासीनता इसी प्रकार बढ़ती रही तो आने वाला वक्त तमाम परेशानियों के कारण जटिलता भरा हो जाएगा। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए जो सबसे पहली समस्या सामने आती है वह है उनका स्वास्थ्य। पैराग्राफ चेंज। माता पिता अपने बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहते हैं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार वह कम से कम बच्चों के खाने पीने में कोई कूर कसर बाकी नहीं रहने देना चाहते। इस प्रयास में अक्सर यही देखा गया है कि माता पिता खाने पीने के मामले में बच्चों पर मनोवैज्ञानिक दबाव रखने में लगे रहते हैं। उनकी कोशिश यही रहती है कि उनका बच्चा हमेशा खाता पीता रहे, और फिर यह होता है कि बच्चे के खाने पीने का कोई समय निर्धारित नहीं हो पाता और उनकी आदतें बिगड़ जाती हैं। आ समय खाने पीने के कारण कई प्रकार की समस्याएं पैदा होती हैं। इन बच्चों में मोटापा होना प्रमुख है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो पता चलता है कि विकसित देशों में खास तौर से बच्चों का मोटापा चिंता का विषय बनता जा रहा है। पिछले 5 दशकों में खास तौर से अमेरिका में मोटापे के शिकार बच्चों की संख्या दुगनी हो गई है। कुल मिलाकर 6 से 17 वर्ष की उम्र के ऐसे अमेरिकी बच्चों की संख्या लगभग 47 लाख थी। यही नहीं, इस उम्र के मोटापे के शिकार बच्चों का कुल औसत 10.9% था। ऐसे बच्चों की प्रतिशत औसत की तुलना में 2 गुना से अधिक थी। इनमें मोटापे के शिकार बच्चों की संख्या पिछले 10-12 सालों में काफ़ी तेजी से बढ़ी है। स्टॉप।